प्रसाद। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पीएम मोदी और प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्वालियर का यह एयरपोर्ट अब प्रदेश की आन बान और शान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर सिंधिया ने कहा कि स्टेडियम का सपना साकार हो गया। 210 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दूर संचार मंत्रालय का, डाक विभाग का और उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास और प्रगति का, ये दोनों विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। जिस तरीके से मैंने इस्पात के क्षेत्र में और नागर विमानन के क्षेत्र में कार्य किया है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषाओं पर इन दोनों विभागों में मैं खड़े उतर पाऊँ।